आप सभी बचपन से कई मुहावरे और कहावतें सुनते आ रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके पीछे की वजह नहीं पता होगी। कुछ कहावतें इतने फेमस है जिनका लोग आए दिन इस्तेमाल करते रहते हैं। हम किसी को कहते हैं कि घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, लेकिन क्या घड़ियाल और मगरमच्छ के आंसू झूठे होते हैं? आखिर झूठे आंसू बहाने के लिए उनका ही नाम क्यों लिया जाता है? क्या वो हमेशा झूठे आंसू बहाते हैं या इस कहावत के पीछे कोई वजह है? किसी के झूठे आंसुओं के लिए घड़ियाली आंसू बहाना कहावत का लोग इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान दुखी होने पर रोता है, लेकिन सबसे ज्यादा मगरमच्छ और घड़ियाल के आंसू फेमस है। अब इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है जिसमें कई बातें सामने निकल कर आई है। आइए जानते हैं कि आखिर घड़ियाली आंसू बहाने के पीछे की वजह क्या है। अगर मगरमच्छ के आंसू की बात करें तो साल 2006 में न्यूरोलॉजिस्ट डी मार्कम शेनर और जूलॉजिस्ट केट एवलियट ने अमेरिकन घड़ियालों पर स्टडी की थी। उन्होंने मगरमच्छ के सूखे स्थान पर भोजन दिया और खाते समय उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इस दौरान उनके आंखों से बुलबुले और आंसू की धार बाहर आने लगी। बायोसाइंस में स्टडी के परिणाम को प्रकाशित किया गया जिसमें बताया गया कि मगरमच्छ खाते समय आंखों से आंसू बहाते हैं और ऐसा किसी भावना की वजह से नहीं होता है।